तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 2 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं सही से, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। और दूसरा चीज़ क्या है, तबीयत ख़राब हो जाने जानते हो, हमारी घरवाली का भी थोड़ा तबीयत ख़राब है, शीला का भी तबीयत ख़राब है, उसको लेकर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, इसी कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आपको हम क्या बताएँ, अपनी प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि हम आपको वो चीज़ बताते हैं तो हम मुझे लग थोड़ा सा गिल्टी फील होने लगता है अंदर से कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आप एक भी एक व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देखता है ना अगर शुरू से अंत तक, बस उसका मुझे दिल में तसल्ली बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइम जानते हो मैं पूरी रात नहीं सोया था और सुबह मतलब कि पूरी रात नहीं, ड्यूटी नाइट ड्यूटी थी तो मैं सो नहीं पाया था। जब सोने जा रहा था दोस्तों, नींद नहीं आ रही है मेरे को, बार बार मेरी शीला की याद आ रही है, तबीयत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पास में पैसे नहीं थे, इसी कारण उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। और मेरी सैलरी बस 2 दिन बची है सैलरी आने के लिए, और बार बार फ़ोन पे रोते रहती है, आ जाओ हम, मुझे मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक बार आ जाओ एक बार देख लो। दोस्त कसम से बोलते मेरा आत्मा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, एक बार बहुत ज़्यादा, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता जब मेरे पैसे नहीं हैं उसे देखने के लिए। मैं यहाँ कमाने ज़रूर आया हूँ दोस्त, लेकिन जानते हो एक बात दिल में बहुत ज़्यादा गहरा चोट कर जाती है कि जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ ना, मैं उसी को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। एक बात है, जब उसको मैं समझाता हूँ, प्यार से बोलता हूँ जब ना, तो मान जाती है बहुत और अच्छा से मानती है। और उसको मैंने बोला था एक बार कि देखो कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, जानबे कर तो सैलरी उल्ली हाथ में आई नहीं है, अभी हाथ खाली है, थोड़ा संभल के रहना, ठीक है। मैंने कहा था उसको थोड़ा संभल उमल के रहना, क्योंकि दिक्कत परेशानी सबके साथ है, हमारे साथ भी है। अभी तुम्हारा तुम अपने आप को संभाल के चलोगे ना तो हर चीज़ सही रहेगा, लेकिन अपना केयरफुल नहीं हो पाती है, बस एक ही बात उसका मन में रहता है, आ जाओ बाबू आ जाओ घर आ जाओ। मैंने एक ही बात कहा है उससे, मैं आऊँगा, लेकिन आने से पहले है ना अपना सारा काम पूरा करके आऊँगा, क्योंकि कल के दिन मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना अब कि मैं कह नहीं सकता। इस टाइम जानते हो पूरे दिन नींद नहीं आई है मुझे, पूरी रात नहीं सोया, सोचा शाम में चलूँगा वीडियो दोस्तों को बना के देना है। मैंने ये सोच करके मैं इस जगह पर आया था कि मुझे वीडियो बनानी है, और जब मैं वीडियो बनाने के जब आया हूँ दोस्त ना, तब शीला का फ़ोन आ गया, मेरी वाइफ का, और बार बार मुझे बोल रही है कि तुम फ़ोन नहीं करते हो फ़ोन नहीं करते हो। दोस्त मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं सो नहीं पाता, एक तो उसकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से मैं ड्यूटी करके आऊँ, ऊपर से मेरी नींद, यहाँ आवाज़ कंपनी है, कंपनी दिखाऊँ, ये दो कंपनी है, मैं इस जगह पर कंपनी पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं वीडियो कंपनी के पीछे हूँ, कंपनी आगे है, तो इधर भट्टा उट्टा है, अब देख रहे हो ईंटा उट्टा है ना, तो इस जगह पर मैं यहाँ पर काम मैं आया हूँ वीडियो शूट करने। ये मेरे को यहाँ पर शांति मिलती है, मैं वीडियो आराम से शूट कर लेता हूँ, अच्छा से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, इसलिए मैं इस जगह को प्रैक्टिकल हमेशा चुन के रखा हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाना होता है मैं इधर ही आके वीडियो बनाता हूँ, आपको हमेशा देखते होंगे आप इधर ही वीडियो में बनाता हूँ हमेशा। मैंने उसे समझाया बुझाया बताया तो मान गई है, 10-12 तारीख को मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो बाबू मैं ज़्यादा तबीयत खराब है, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं खाना कैसे बनाऊँगी, खाना भी नहीं बनाया जा रहा, अब मैं क्या करूँ। बाकी बात है जब इंसान की तबीयत खराब होता है तो कोई भी काम करने लायक नहीं रहता। मैंने कहा देखो ऐसा है, किसी तरह से काम करके अपना खा पी लो, भूखा नहीं रहना है, डॉक्टर जो दवाई दिया है चीज़ें ऐसी होती हैं कि केवल दवाई भी काम नहीं करता यार, अपनापन भी चाहिए, उसको है ना अपनापन चाहिए, अपनापन उससे वो कोई मिल नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई हंसने वाला नहीं, एक चार दीवारी के अंदर हमेशा पैक रहना। और आपको बता दूं बात रही, अब मैं ज़्यादा कहीं नहीं जाऊंगा, अब बहुत चल लिया हूं आज। एक बात बताऊं, सब कुछ चाह करके भी यार एक बार एक बार दिल में ऐसा लगता है ना कि कुछ नहीं मिला, सब कुछ खो दिया मैंने, पता नहीं क्यों, बहुत कुछ पाने की चाहत में ना बहुत कुछ खो दिया।
एक बार मैं कभी कभी सोचता था दोस्त की दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं सबसे बड़ा चीज़ क्या है, पैसा। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है यार। अपनापन, अपना प्यार, अपना रिश्तेदारी, अपना फैमिली, यही सबसे बड़ी मायने होते हैं। कहीं ना कहीं पैसे का भी रोल सबसे बड़ा होता है यार, क्योंकि पैसे के बिना कोई ना कोई रिश्तेदारी टिकती है, ना ही कोई अपनापन मिलता है, ना ही और कुछ। पैसा है सब कुछ है, और रिश्ते भी हैं तो पैसे भी होने ज़रूरी हैं। मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर का होना चाहिए, तब अच्छा लगता है। सपोज दैट मान लीजिए कि अभी आपके पास अगर पैसा ना हो ना, तो आपके अपने भी नहीं होंगे आपके साथ में खड़े, ये चीज़ तो तय है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता यार कि पैसे को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रखे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, काम करते हुए सब कुछ करते जा रहे हैं, धीरे 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 सब चीज़ सही कर रहे हैं। देखते हैं आगे कब तक चलता है ऐसा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए एक एक बार तो दिल ऐसा ऐसा गवाह कर जाता है कि मन तो करता है क्या करें, नहीं करें समझ में नहीं आता है। मैंने शीला से कहा था मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, अपना संभाल के रखना, थोड़ा अपने आप को संभाल के रहना, क्योंकि कोई नहीं है आज के वक्त में। अपना ध्यान रखोगे तो सब चीज़ सही रहेगा, लेकिन उसका क्या है पता है, उसका एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है, मैं सबसे ज़्यादा उसका कमज़ोरी हूँ। अगर मैं उसके पास रहूँ तो वो ताकत है, अगर दूर चला गया उससे तो कमज़ोर हो गई। उसी वक्त उसी समय वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। अब मैं अभी चला जाऊँ उसके पास ना, वो एक दिन में सही हो जाएगी, और दूसरा दिन उछलेगी, तीसरा दिन सब काम कर देगी बिना बोले, हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी कोई कोई इंसान अपना भी ऐसा भी होता है यार, लेकिन उस चीज़ को पकड़ के हम बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पर वो रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं ना कमरे लेकर के, वहाँ पर काम सही नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए हम मुझे पंजाब आना पड़ा है काम करने के लिए, और मैं पंजाब में भी काम कर रहा हूँ, वो दिल्ली में है। तो अब मुझे वापस 10 से 12 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, सब जाएंगे मिले जुलेंगे, फिर देख लेंगे क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है, जैसा कंडीशन होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी मैं क्यों बोलता हूँ आपसे ये सब सारी बातें पता है, तो कहीं ना कहीं आप मेरे ही अपने हो, दिल से मानता हूँ, और केवल आप ही हो जो मेरी बातों को सुनते हो, बाकी दूसरे को तो मैं बोल ही नहीं सकता। एक बात तो तय कर लिया अपने दिल में, अब चाहे जो चाहे जैसा ही माहौल हो, जैसे सिचुएशन में ढल रहे हों, चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक चीज़ समझ में आता है कि जो करना है खुद के दम पे करना है यार। अब बहुत देख लिया, कोई बहुत भाग लिया इधर उधर, बहुत भरोसा भी कर लिया मैंने, सब टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बस अब जो करना है अपने ऊपर। कभी कभी याद भी आता है यार कि एक समय सोचा करता था मैं अपने आप में कि मतलब जो है ना ज़िंदगी में ऐसे करना है, ज़िंदगी में ऐसे करूँगा, ये करना है वो करना है, ऐसे करूँगा ना तो ये हो जाएगा, मतलब ऐसे सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन एक बात है, सक्सेस इतना छोटा चीज़ नहीं है यार जितना हम लोग सोचते हैं। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि वहाँ सक्सेस मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बस हम काम किए जाते हैं। जब उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है तो पता नहीं चलता कि इतना जल्दी मिले रिजल्ट अच्छा मिल गया। और आज है ना एहसास हो रहा है कि मुझे कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन उसका थोड़ा सा 1% मुझे ये मालूम चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं फल मिल रहा है उसका, और दिल में खुशी होती है। मैं बेशक यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, लेकिन दिल में प्यार आप लोगों के लिए उतना ही है। लेकिन मैं बोल भी जाता हूँ एक बार अपने दिल में कि क्या कर रहा है यार, क्या वीडियो बना रहा है, क्या बकवास हो रही तुम्हारे साथ में भाई, तू झूठ का कैमरा उठाता है, बकबक बकबक करना शुरू कर देता है, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कोई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कोई मतलब नहीं है, बस तू बोल देता है। सही बात बताऊँ एक बात तो उसमें से जानते हो, मुझे कभी लगने लगता है ना मैं फालतू वीडियो बनाता हूँ, बेकार है, कोई देखने वाले नहीं है,
ना कोई सुनने वाले हैं, बस बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ, आज दो दिन से जानते हो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। सही बता रहा हूँ, वीडियो शूट करने मेरा जरा भी मन नहीं था कि मैं वीडियो जाकर शूट करूँ। मेरा दिल ऐसा बोल रहा था, लेकिन कहता है दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा कीड़ा जो होता है ना वो बोल जाता है। वही थोड़ा सा कीड़ा हमको बोला कि क्या कर रहे हो बैठे बैठे, कोई काम नहीं है तो बोलो वीडियो शूट कर लो। फिर क्या हुआ मन में, मैं उठाया मोबाइल, मैंने कहा चलता हूँ वीडियो ही शूट कर लेता हूँ यार, अपने दिल की बात हो तो कम से कम बोलूँ लोगों से मैं क्या परेशान हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई तो रहे सुनने के लिए। जब बोलूँगा नहीं तो कोई सुनेगा कैसे। अपने दिल की बात है, जब तक किसी को सामने को रखोगे नहीं तो जानेगा कैसे कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति में हो। यही वाली बात है, इसलिए मैंने मोबाइल उठाया वीडियो करना। जब मैं चलता हूँ अपना शांति जगह पर जहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं वहीं वीडियो शूट कर लूँगा, सबसे अच्छा मैं इधर उधर जाने से अच्छा है, टेंशन मुक्त रहूँ, नींद नहीं आती है टेंशन से। सही बता रहा हूँ दोस्त, बहुत टेंशन होती है माता में, ये कैसे हो गया, ये आगे कुछ और करना था, सही करना था, सही नहीं हो पा रहा, ना ये काम हो पा रहा, ना वो काम हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, खाली कर क्या रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता, बस करे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ये कब आ रहे हैं दोस्त, सबकी याद आती है, मेरी भी वाइफ को याद आती है, अपना भाई प्रेम माँ बाप दोस्त सब याद आते हैं, बताती है मुझे कई कई वीडियो में, वो मतलब मुझे कई कई फ़ोन करके बोलती है बाबू मुझे ये इसकी याद आ रही है उसकी याद आ रही है। मैं भी क्या कर सकता हूँ, याद आ रही है तो कोई बात नहीं, सह लो थोड़ा सा, जब तक समय है सही हो जाएगा हर चीज़, हर चीज़ सही हो जाएगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, याद कर लिया अगर कभी कभी किसी को, याद ना करना भी एक गुनाह है। ज़्यादा देर आपसे क्या बोलूँ वीडियो में, बस इतना समझ आइए कि आपका भाई परेशान है अभी, और जब हम सही हो जाएंगे तो हम आपसे ज़रूर एक बार मिलेंगे। आप लोग का जब दिल ऐसा हो जाएगा कि आपको मिलना चाहिए तो हम आप सबसे मिलेंगे, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं आया मिलना किसी से, बस मेरा वक्त है अभी अपना काम करना। जब काम पूरा हो जाएगा, जब हम आज़ाद हो जाएंगे इस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए, तब हम सबसे मिलेंगे। तो चलिए जब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। वीडियो अगर अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को, क्योंकि हो सकता है हमको तो लग रहा है वीडियो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं तो बस बना देता हूँ यार, एक महीना के बाद ही आपको वीडियो मिलेगा फैमिली ब्लॉग मेरा देखने के लिए। अभी तो फैमिली ब्लॉग आपको मिलेगा नहीं, आपको पता है फैमिली ब्लॉग नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि मैं अभी अकेला रहता हूँ और रूम पर वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ यार। वीडियो नहीं शूट करने का कारण पता है, रूम में ऐसे ऐसे लड़के सब रहते हैं जो हल्ला गुल्ला ज़्यादा करते हैं, माँ बहन उल्टा सीधा सब करने वाले, सब मक्का सड़क्का सब करते हैं, इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं शूट करता। और यहाँ पर क्या है, बोलने वाला कोई नहीं है तो यहाँ पर शांति इलाका रहता है, तो मैं यहाँ वीडियो आराम से शूट कर लेता हूँ। और यहाँ पर सब ज़्यादा जानते हो दिक्कत किस बात की है, मतलब कंपनी है, कंपनी में टन 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 इतना ज़्यादा लोहा का आवाज़ होता है ना कि वहाँ पर मेरे वीडियो शूट करने ज़रा भी मन नहीं करता। आपको कभी कभी सुनते होंगे मैं अगर वीडियो शूट करता हूँ उसमें तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि मैं वीडियो शूट करने मन ही नहीं करता मेरा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कभी शूट कर लेता हूँ। चले तब मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।